हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल डू इन मिनट्स में। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं साइकिल के रेस्टोरेशन के ऊपर 3 पार्ट बनाने वाला था, जिसमें से मैंने पहले पार्ट में आपको साइकिल को डिसमेंटल करना दिखाया था और दूसरे पार्ट में मैंने आपको साइकिल को पेंट करना सिखाया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी तरीके से वापस से साइकिल को इंस्टॉल कर दिखाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपके पास साइकिल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा, आप चाहे तो अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ये रही हमारी पेंट की हुई साइकिल, जिसे अभी तक हमने इसमें लगे हुए पेपर को रिमूव नहीं किया है और टेप को भी रिमूव नहीं किया है। मैं इसे एक दिन सूखने के लिए छोड़ दूंगा, उसके बाद ही मैं इसे अब रिमूव करूंगा इसके लगे हुए पेपर्स को। तो चलिए हम लोग अब इसे फटाफट से इंस्टॉल कर आपको दिखाते हैं इसके सारे पार्ट्स। तो ये रहा हमारा बैक वाला फ्रेम, जो कि इससे कुछ इस प्रकार से ज्वाइंट रहता है। तो इसके बीच में आपको एक छोटा सा सिलेंड्रिकल वॉशर लगाना पड़ता है, उस वॉशर को हम आपको दिखा देते हैं। ये वॉशर आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है। इस वॉशर को आपको इस स्लॉट में अलाइन कर हैमर की मदद से आप इसे धीरे धीरे चोट लगाकर इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बड़ा सा बोल्ट मिलता है और नट और बोल्ट लगाने से पहले आप चेक कर लें कि आपका वॉशर इसमें अच्छी तरीके से लग गया हो। उसके बाद आपको इसके अंदर वॉशर लगाना है और नट लगाकर आप इसे रिंच से या फिर प्लायर से इसे टाइट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप इसे काफ़ी ज़्यादा टाइट भी ना करें, क्योंकि ज़्यादा टाइट हो जाने के बाद जो आपका मूवमेंट है सॉकर का, वो थोड़ा सा इसमें आवाज़ आ सकता है। तो आपको इसे एक लिमिट में ही टाइट करना है, क्योंकि ये जो पार्ट है दोनों आपस में ये मूव करना है। तो आप यहाँ पर चाहे तो थोड़ा सा ग्रीस भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा अच्छा वर्क करने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे टाइट कर दिया है रिंच की मदद से। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हमने इसमें थोड़ा सा और अलग से मॉडिफिकेशन किया है। हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको ट्रायंगल या फिर पॉइंटेड यहाँ पर एक छोटा सा डिज़ाइन दिया है। आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा जो कि ब्लैक और ऑरेंज कलर में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम लोग अब इससे फटाफट से अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब सबसे पहले सस्पेंशन को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये हमारा रियर सस्पेंशन यहाँ पर थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर पेंट कर दिया था। तो पेंट के कारण इसकी जो लेयर है फ्रेम की, थोड़ा सा ज़्यादा पहले से बढ़ गया है। तो मैं यहाँ पर हैमर से इसे चोट लगा कर फिक्स करूँगा और उसके बाद इसमें मैं नट और बोल्ट से इसे टाइट कर दूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने पीछे वाले फ्रेम के साइड में बोल्ट को डाल रहा हूँ, उसके बाद हम अपने फ्रंट वाले फ्रेम के साइड में बोल्ट को डालेंगे। और दूसरी तरफ से आपको यहाँ पर एक वॉशर मिलता है, ये एक स्लॉटेड वॉशर है। और जो आपका यहाँ पर बोल्ट मिलता है उसमें भी एक छोटा सा स्लॉट लगा रहता है, जो कि ये स्लॉट के अंदर जाकर अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। एक बार जब ये अच्छे से फिट हो जाएगा, उसके बाद हम रिंच की मदद से इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे तो ये दूसरे साइड से भी मूव होने लगती है। तो आपको यहाँ पर दो रिंच यूज़ करना है। एक रिंच से आप दूसरी तरफ के बोल्ट के हेड को पकड़ेंगे और दूसरी साइड से आप नट को टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइट कर देना है इसे, क्योंकि इससे आपका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा लूज़ हो सकता है। और ये रहा हमारा फ्रीबिल और हम लोग व्हील में इसे लगा देंगे। तो फ्रीबिल को व्हील में लगाने के लिए आपको इसके थ्रेड के ऊपर रखना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर इसे टाइट कर देना है। तो ये जब पैनलिंग आप करेंगे तो ये खुद टाइट हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पर नाम के लिए अपने व्हील को यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। इसके बोल्ट को मैं टाइट नहीं करूँगा, मैं बस सपोर्ट लेने के लिए आगे के नेक्स्ट प्रोसीजर को करने के लिए यहाँ पर व्हील को लगा रहा हूँ। ये रहा हमारा फ्रंट व्हील में मैं सोच रहा हूँ कि डिस्क ब्रेक लगाऊँ, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि साइकिल में आप डिस्क ब्रेक भी इंस्टॉल कीजिए। तो यहाँ पे मैं फ्रंट में आपको 160mm का डिस्क ब्रेक इंस्टॉल कर दिखाऊँगा। ये रहा हमारा, हमने इसके डिस्क प्लेट को लगा दिया है। डिस्क प्लेट लगा देने के बाद हम अपने व्हील को अपने फ्रंट फॉक में लगा देंगे और इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसे अलाइन कर फाइनल टाइट कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा जो व्हील है उसे हम दोबारा खोलेंगे नहीं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम अपने बॉटम ब्रैकेट के कप्स बियरिंग में थोड़ा थोड़ा सा ग्रीस को लगाएंगे। ग्रीस लगा देने के बाद हम इसमें बॉल को भी लगाएंगे। तो ये रहा हमारा दूसरे साइड का कप। कप में भी हम अच्छी तरीके से ग्रीस लगाएंगे। और जब ग्रीस आप लगाएं तो कोशिश करें कि आप किसी अच्छी और गुड क्वालिटी का ग्रीस लगाएं। और आप इसके जो अंदर में बॉटम ब्रैकेट के जो होल होता है उसके भी थ्रेड को आप किसी ब्रश की मदद से साफ़ कर दें।
उसके बाद ये रहा हमारा बॉल, आपको यहाँ पर 11 बॉल काउंट कर लगाना है, यानी कि आपको लेफ्ट साइड वाले कप में भी 11 बॉल डालना है और राइट साइड वाले कप में भी आपको काउंट कर 11 बॉल डालना है। तो यहाँ पर आप काउंट अच्छी तरीके से करें, और आपको बॉल भी लगाना है तो उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर लगाना है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डस्ट ना आ जाए। डस्ट आ जाने के बाद इसमें थोड़ा बहुत नॉइज़ आ सकता है और इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर आप श्योर हो जाएं कि आपका जो बॉल है वो अच्छी तरीके से साफ होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सारे 11 बॉल्स को लगा दिया। तो यहाँ पर टोटल हमारे बॉटम ब्रैकेट में 22 बॉल्स लग जाते हैं और आपको यहाँ पर लगा कर इसे टाइट कर देना है। तो ये है हमारा राइट साइड वाला बॉटम ब्रैकेट का साइड। तो इसमें ये साइड में आपको एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाने से आपका कप टाइट हो जाता है और लास्ट में आप इसे किसी बड़े एडजस्टेबल रिंग से इसे टाइट कर सकते हैं। और ये रहा हमारा लेफ्ट साइड का बॉटम ब्रैकेट का साइड। इस साइड में आपको अपने एक्सल को लगा देना है। तो आपको एक्सल में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, आपको एक्सल का एक साइड थोड़ा सा बड़ा दिखेगा और एक साइड छोटा दिखेगा। तो बड़े वाले साइड को आपको राइट साइड रखना है और छोटे वाले को लेफ्ट साइड में आपको रखना है। एक बार आपका कप थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से इसमें दिए गए स्लॉट से हैमर की मदद से या फिर किसी आप पॉइंटेड चीज़ की मदद से आप इसे टाइट कर सकते हैं और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आपको इसे घुमाना है और बार बार आपको अपने एक्सल को पकड़ कर छू कर देखना है कि इसमें स्लैग तो नहीं आया है, ये वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है। जब आपको लगे कि ये अच्छी तरीके से टाइट हो गया है उसके बाद हम इसमें लास्ट वाली लॉक रिंग को लगा देंगे। रिंग को भी आपको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लगाना है और इसमें भी स्लॉट लगा होता है तो स्लॉट को हम इस प्रकार से ठोक कर टाइट कर देंगे। तो ये रहा हमारा बॉटम ब्रैकेट का काम हो चुका है। और ये रहा हमारा लेफ्ट क्रैंक आर्म और ये है क्वार्टर पिन। हम लोग लेफ्ट क्रैंक आर्म में अब क्वार्टर पिन को लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक स्लॉट मिलेगा और एक्सल में भी आपको एक छोटा सा स्लॉट मिलता है। तो ये जो क्वार्टर पिन है इसमें भी आपको एक छोटा सा इस साइड से आप देख सकते हैं टेपर स्लॉट दिया गया है। तो ये तीनों आपस में जाकर अच्छी तरीके से टाइट हो जाती है जब आप इसे ठोक देंगे। तो मैंने यहाँ पर ठोक दिया है और वॉशर और नट लगाकर इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। एक बार जब आप इसे अच्छे से ठोक कर टाइट कर देंगे तो इसकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी रहेगी, नहीं तो ये ढीला होने पर वाइब्रेट करेगा। अब हम अपने दूसरे साइड में अपने चेन रिंग को लगाते हैं। तो ये रहा हमारा चेन रिंग, ये बिल्कुल उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये रहा हमारा क्वार्टर पिन, क्वार्टर पिन को हम इसके अंदर लगाएंगे और ठोक के टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर जो क्वार्टर पिन था हमारा साइज से थोड़ा सा बड़ा हो गया था जिस कारण से इसमें ये पूरी अच्छी तरीके से घुस नहीं रहा था। तो मैंने इसे हैमर से अच्छी तरीके से ठोक दिया है। यहाँ पर हमारा जो क्वार्टर पिन है थोड़ा सा छोटा साइज़ का होता तो ये पूरी तरीके से फिट हो जाता, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा आ गया है तो फिर भी हम इसे ठोक ठोक कर इसमें लगा देंगे। तो जब एक बार आप इसे अच्छी तरीके से ठोक देंगे तो ये टाइट हो जाएगा, तो फिर भी आपका काम हो जाएगा। और बात रहा इसके क्वार्टर पिन का, तो आपके क्वार्टर पिन में आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप में अपने साइकिल में आपको पैडल लगाना है। पैडल लगाने के लिए आपको यहाँ पर रखकर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाना है जिससे ये पैडल आपकी क्रैंक आर्म में लग जाएगा। और फाइनल आप इसे टाइट करने के लिए रिंच का यूज़ कर सकते हैं। रिंच से आप इसे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाकर टाइट कर दीजिए। और यह रहा हमारा लेफ्ट साइड का क्रैंक आर्म। लेफ्ट साइड वाले क्रैंक आर्म में आपको एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाना है जिससे आपका जो पैडल है वो टाइट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा जो पूरे क्रैंक सेट का था काम हो चुका है। अब अपने नेक्स्ट स्टेप में आपको चेन लगाकर दिखाते हैं। तो ये न्यू चेन है तो हम चेन को इसके ऊपर से रख लेते हैं और साइज़ आपको अपने पहले ही नाप लेना है। साइज़ के अनुसार से आपको यहाँ पर कट कर देना है। कट कर लेने के बाद हम अपने साइकिल में अब चेन को लगाकर यहाँ पर क्विक लिंक से हम इसे टाइट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर इसमें वॉशर को लगा दिया है जो चेन में लगा होता है। उसके बाद हम इसमें अपने क्विक लिंक को लगाएंगे और प्लायर की मदद से इसे जाम कर देंगे। प्लायर से आप इसे लॉक कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर लगाना है और पीछे से प्लायर से आप इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे जिससे ये लॉक हो जाएगा। देखिए हमारा चेन लॉक हो गया। उसके बाद आप अपने व्हील को अलाइन कर लें, यानी व्हील को आपको अपने फ्रेम में सेंटर में कर लेना है। उसके बाद आप अपने एक्सल के बोल्ट को और नट को टाइट कर लें। टाइट करते समय आपको चेन को अभी ध्यान रखना है कि चेन आपका ज़्यादा लूज ना हो जाए। तो आपको यहाँ पर एक लिमिट में अपने चेन को भी टाइट कर लेना है जिससे क्रैंकसेट आपका फ्री तरीके से मूव हो सके। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप में अपने
अपने साइकिल में आपको वी ब्रेक लगाकर दिखाते हैं। तो पीछे में हम लोग अपने साइकिल में वी ब्रेक ही लगाकर आपको दिखाएंगे। तो वी ब्रेक आपको इस प्रकार से स्लॉट के अंदर लगा लेना है। वी ब्रेक लगा लेने के बाद आपको यहाँ पर बोल्ट लगाकर 5mm की एलन की से इसे टाइट कर देना है। तो ये वाली जो बोल्ट है 5mm की एलन की से टाइट हो जाती है। तो आपको इस प्रकार से दोनों साइड में बोल्ट लगाना है और एलन की से आप क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाकर इसे अच्छी तरीके से टाइट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हम आपको यहाँ पर जो हैंडल में स्टेम्प था, स्टेम्प में लगा हुआ बोल्ट भी लगा देना है। तो मैंने यहाँ पर स्टेम्प में लगा हुआ बोल्ट को खोल दिया था। उसके बाद भी जो हमारा हैंडल बार था वो बाहर की तरफ नहीं निकला। तो मैं इसे कोशिश करूँगा कि आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सस्पेंशन और हैंडल बार को भी सर्विस कर आपको दिखाएँ। तो इसे सर्विस करने के लिए हमें तो फाइनली इसे कट कर अलग करना ही होगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं अपने ब्रेक के अंदर हम अपने वायर को लगाएंगे और वायर हाउसिंग को भी लगाएंगे। तो आपको वायर को कुछ इस प्रकार से राउंड घुमाना है और अपने ब्रेक क्लच के अंदर इस प्रकार से लगा देना है। उसके बाद हम अपने फ्रेम को के अंदर से अपने केबल हाउसिंग को घुसाकर कुछ इस प्रकार से निकाल लेंगे और अपने रियर ब्रेक की तरफ कुछ इस प्रकार लेकर चले जाएंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप में अपने फ्रंट वाले ब्रेक के अंदर भी केबल को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से राउंड घुमाना है और अपने क्लच के अंदर लगाकर टाइट कर देना है। तो हम तो अपने फ्रंट ब्रेक के रूप में डिस्क ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक की ही वायर को लगाना है। तो डिस्क ब्रेक के वायर को भी मैं कुछ इस प्रकार से ही लगा देता हूँ, क्योंकि आपका जो डिस्क ब्रेक का वायर होता है वो बिल्कुल सेम नॉर्मल वायर की तरह होता है। तो ये रहा हमारा डिस्क ब्रेक का वायर। अब हम इसे अपने फ्रंट फ्रॉक के अंदर कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। उसके बाद आ रहा है हमारा पार्ट और अपने पीछे वाले ब्रेक को टाइट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा पीछे वाले ब्रेक का वी ब्रेक का पाइप। ये एल्युमिनियम पाइप होती है, तो इसमें भी हम अच्छी तरीके से ग्रीस लगा देते हैं, क्योंकि ग्रीस लगाएंगे तो इसमें फ्रिक्शन कम होगा, ब्रेक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। उसके बाद अपने ब्रेक की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अगर आपको साइकिल में वी ब्रेक की एडजस्टमेंट करनी नहीं आती है तो उस वीडियो का मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि आप अपनी ब्रेक को कैसे सर्विस कर सकते हैं या फिर एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बस एडजस्ट कर दिखा देता हूँ। बाकी आपको डिटेल देखना है तो उस वीडियो का मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि वी ब्रेक को कैसे टाइट कर सकते हैं। ये रहा हमारा एक साइड, हमने यहाँ पर अपने ब्रेक शू को लगा लिया था और हमने राइट साइड में भी अपने ब्रेक शू को लगा लेते हैं। तो ब्रेक शू को भी लगाने के लिए आपको अपनी साइकिल का ट्यूब या रिम को अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग वॉशर लगाकर ही टाइट करना है और बार बार आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारा जो ब्रेक है वो ज़्यादा टायर में तो नहीं सट रहा है। अगर टायर में रब होने लगेगा तो आपके ब्रेक पैड के कारण आपका टायर भी डैमेज हो सकता है या फिर फट सकता है। तो यहाँ पर आपको अलाइन कर लेना है ब्रेक को। तो मैंने यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर अपने सीट को इंस्टॉल करेंगे। तो सीट को हम अपने सीट पोस्ट के अंदर लगा लिए हैं और सीट ट्यूब के अंदर हम इसे लगाकर यहाँ पर लॉक नट से इसे अच्छी तरीके से टाइट कर सकते हैं। तो आपके साइकिल में हो सकता है कि यहाँ पर आपका क्विक रिलीज रहे, तो उससे ये इजी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आप अपने सीट को अपने पोस्चर के अनुसार कर ले सीधा या फिर आप जिस प्रकार से रखना है उसके बाद आप इसे टाइट कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने साइकिल में आपको डिस्क ब्रेक की कैलिपर लगाकर दिखाते हैं। तो डिस्क ब्रेक की कैलिपर लगाने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखना है कि डिस्क ब्रेक की अगर आपको अलाइनमेंट करनी नहीं आती है तो आप डिस्क ब्रेक के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि डिस्क ब्रेक इतनी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर आप इसकी सेटिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो आपकी प्लेट पर प्रेशर पड़ेगा, जिससे आपका प्लेट भी ख़राब हो सकता है, उसमें थोड़ी सी प्ले आ सकती है, उसमें ट्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है कि आप अपने डिस्क ब्रेक की सर्विस कैसे करें या फिर आप डिस्क ब्रेक की अलाइनमेंट कैसे करें, क्योंकि डिस्क ब्रेक में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप उसकी अलाइनमेंट कैसे करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा केबल हाउसिंग था वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा था, तो मैं इसे प्लायर की मदद से कट कर दूँगा। केबल हाउसिंग को कट करने से पहले आपको वायर को बाहर की तरफ निकाल लेना है, नहीं तो जब आप इसे कट करेंगे तो आपके वायर पे भी ज़्यादा प्रेशर लग सकता है। एक बार जब आपका केबल हाउसिंग कट जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे लॉक नट को थोड़ा सा ढीला करना है और स्लॉट के अंदर आपको वायर कुछ इस प्रकार से डाल देना है और आपको अलाइन करते हुए अपने ब्रेक को टाइट कर लेना है।
एक बार जब आपका ब्रेक टाइट हो जाएगा तो आप एक्स्ट्रा वायर को चाहे तो कट कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसे रोल कर दें। और चलिए हम आपको इसकी व्हील की भी मूवमेंट दिखा देते हैं कि व्हील हमारा देख सकते हैं फ्री तरीके से मूव हो रहा है और ब्रेक भी अभी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। तो कुछ दिन ब्रेक चलने के बाद जो डिस्क ब्रेक होता है शुरू उतना ज़्यादा टाइट नहीं होता, कुछ दिन चलने के बाद ये थोड़ा ठीक हो जाता है पहले से। तो अब हम यहाँ पर अपने साइकिल में स्टिकर आपको लगाकर दिखा देते हैं। तो ये कोई कस्टम स्टिकर नहीं है, मैंने इसे बनाया नहीं है, ये मार्केट में ही अवेलेबल हो जाता है इस प्रकार के स्टिकर। तो मैं इस पर ज़्यादा स्टिकर नहीं लगाने वाला हूँ, मैं बस इसके फ्रेम में एक साइड में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हरकुलस की स्टिकर लगा रहा हूँ और दूसरे साइड में भी आपको स्टिकर लगा कर दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा साइकिल में स्टिकर लग जाने के बाद ये आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं इसकी जो लुक है कैसी है और पहले ये कैसा था और अब हमने इसे कैसा कर दिया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप देख सकते हैं इस साइकिल को हमने कंप्लीट पहले से कितना ज़्यादा चेंज कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में डिस्क ब्रेक लगा हुआ है और इसके टायर की कलर मैंने जो चूज़ की है वो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर हमें बताएँ। अगर इस साइकिल से रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा, आप चाहें तो अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक और ऑरेंज के बीच में कुछ इस प्रकार से खुद से ही डिज़ाइन बनाया था। तो डिज़ाइन आपको कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तो इस साइकिल के सारे पार्ट्स को हमने चेंज कर दिया और सारे पार्ट्स को हमने न्यू कर दिया, उसके बाद हम आपको इसकी परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे कि ये कैसा वर्क कर रहा है। ये रहा हमारा पैडल क्रैंक सेट, ये रहा ऑल ओवर हमारा साइकिल। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।